ले भाइयों, आज के दिन क्लास ली थी जूम पे, ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, पर चलो फिर से ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कूलम्स लॉ में बात किया था कि अगर यहाँ एक चार्ज Q1 है तो इस Q1 को कैसे पता है कि यहाँ एक दूसरा चार्ज Q2 रखा है और तेरे को उस पर फोर्स लगाना है K Q1 Q2 upon R2। और इसका हमने रीज़न दिया था कि Q1 अपने चारों तरफ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पे अपनी प्रेजेंस को फील कराने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक चार्ज एट रेस्ट अपने चारों तरफ के रीजन में क्रिएट करता है अपनी प्रेजेंस को फील कराने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड है विच एग्जर्ट फोर्स ऑन चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो Q2 के ऊपर Q1 ने फोर्स नहीं लगाया, Q2 के ऊपर फोर्स लगाया है Q1 ने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया है। और फिर हमने फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका देखा था। कैसे आप फील्ड को कैलकुलेट करते हैं? फील्ड को आप कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है Q नोट है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब अगर मेरे को गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्योंकि 1 कूलम यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसलिए क्यू कूलम के ऊपर कितना फोर्स लग जाएगा? क्यू इंटू ई। तो किसी एक चार्ज क्यू के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है दैट विल बी क्यू इंटू ई। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि एक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कितना? अगर क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी क्यू इंटू ई। अब मैं बात ऐसे करूंगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, किस वजह से है वो मेरे को पता नहीं है, पर यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और यहां मैंने चार्ज रख दिया क्यू, इस जगह पे मैंने चार्ज रख दिया क्यू, तो यहां पे फोर्स लगेगा कितना? क्यू इंटू ई। अब चूंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया तो हमने फोर्स लिया था किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो मैं ये कहता हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑन नेगेटिव चार्ज फोर्स विल बी अपोजिट टू फील्ड। फोर्स जो होगा वो फील्ड के अपोजिट होगा। तो एफ ऑन नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा माइनस क्यू इंटू ई। यहां जो ये माइनस है, दिस नेगेटिव डिनोट्स दैट, ये चार्ज का नेगेटिव नहीं है कि फोर्स जो है नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू फील्ड, कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट होने वाला है। पहले यहां तक की बात समझते हैं, फिर इसके आगे की बात मैं करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।